निष्पक्षता पर सवाल क्यों खड़े हुए? क्यों? जांच पर सवाल तो कोई खड़ा कर सकता है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कैसे खड़ा करेगा? सुप्रीम कोर्ट तो, सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट आप लोग मतलब समझते हैं इसका सर? एकदम मैं समझता हूं, और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, एक दिन और इस विषय पर मैंने बोला था, मैं फिर बोल रहा हूं कि सुप्रीम, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज लोग भी व्यक्ति हैं और उनकी सोच भी हो सकती है, क्योंकि जब से दही हांडी की ऊंचाई और लंबाई नापना शुरू किया लोगों ने, कबूतर कौन पालेगा कौन नहीं पालेगा ये फैसला सुनाने लगे, हिंदुस्तान में थोड़ा सा हम हिले हैं। लेकिन फिर अच्छा। भी बड़े सम्मान के साथ माननीय सुप्रीम अच्छा तो आज ये सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट आपको अच्छी नहीं लग रही? और सुप्रीम कोर्ट जब कहता है कि राम मंदिर बना लो तब अच्छा लगता है आपको? राम मंदिर के लिए हम शुरू से लड़ते रहे। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट आपको जो अच्छा लगेगा सुप्रीम कोर्ट वही बोले क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि तिलक चावला जी यहाँ पर अगर होस्ट है तो मुझे गाली दे तो भी अच्छा लगे और मुझे आशीर्वाद दे तो भी अच्छा लगे। नहीं नहीं, अश्विनी शाह जी, मैं तो सिर्फ वो लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूँ। आप कह रहे कि वो भी जज जो है वो भी इंसान है। आखिरकार जनता और सुप्रीम कोर्ट दोनों में आप लोग ये भरोसा क्यों नहीं जतला पाए कि लखीमपुर हिंसा को लेकर हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं? आप मुझे एक सवाल का जवाब तिलक जी आपने पूछा है तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस प्रदीप कुमार जी अगर जांच कर रहे थे, न्यायिक समिति का गठन हुआ था और दो महीने में रिपोर्ट लेना था उसको, तो क्या माननीय जज लोगों जो सुप्रीम कोर्ट में बैठ रहे हैं उनको अपने उस रिटायर्ड जज पर भी भरोसा नहीं? वो भी उस सरकार के खरीदे हुए हैं। या अगर सरकार की गलती निकालना है तो क्या वो भी उनके ऊपर भरोसा नहीं है कि वो दूसरा किया गया? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। अच्छा नहीं, मतलब देखिए, अब जो मैं सीधा पूछ रहा हूं आप उसको घुमा रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं घुमा नहीं रहा। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट गलत सोच रहा है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर एक जज कर रहा है, मैं कह रहा हूं न्यायिक समिति का गठन, मैं उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहा हूं यहां। कोर्ट तो ये कह रहा है, अश्विनी शाही जी, कोर्ट ये कह रहा है कि न्यायिक आयोग की जरूरत ही नहीं थी। कोर्ट तो कह रहा है कि न्यायिक आयोग की जरूरत ही नहीं थी। मुझे एक बात बताइए, जो FIR दर्ज हुई उसमें जो तहरीर दी गई थी उसमें लिखा गया था कि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू और उनके पिता जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने साजिशन इस घटना को अंजाम दिया। अब तक उनसे भी कोई पूछताछ नहीं हुई इस पूरे मामले को लेकर। आप कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष हैं? चावला जी, जिस दिन जो कमेटी गठित की गई है, माननीय गृह राज्य मंत्री जी के नाम से अगर तहरीर दिया गया है, जब पूछताछ में उस कमेटी को यह लगेगा कि हाँ ये भाग रहे हैं पूछताछ में, तो उनसे जाके पूछताछ करेगी, या उनको जरूरत लगी होगी तो उन्होंने पूछताछ किया होगा। साक्ष्य कहीं पर नहीं, कहीं पर एक मिनट आप सुन लीजिए, पूरा होने दीजिए ना। वही बात आ गई ना, कोर्ट की बात आ गई। देखिए, पूरा होने दीजिए सब इंस्पेक्टर अब गृह राज्य मंत्री। अरे पूरा होने दीजिए भाई। अगर किसी दिन उस विवेचक को ये लगेगा कि हमको माननीय मंत्री जी से पूछताछ करना है, तहरीर में नाम है, तो वो अवश्य पूछताछ करेगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है कि उनसे पूछताछ की गई हो, आपके पास अगर वो पत्र नहीं आया तो आपको नहीं पता है, हो सकता है की गई हो। आप बता देंगे, मैं चला दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं। नहीं, आपके पास आ जाएगा तो आप चला दीजिएगा। नहीं तो लेकिन आपको ये जो राज्य मंत्री से पूछताछ हुई है, नहीं, मैंने कहा हो सकता है हुई हो। अच्छा, हो सकता है, आवश्यकता उनको विवेचक को लगेगी तब पूछताछ करेंगे वो। अच्छा, ये कह रहे कि नैतिकता के आधार पे कहने से मीडिया के कहने से मीडिया ट्रायल थोड़ा हो रहा है कि गृह राज्य मंत्री को किस, मैं तो कह रहा हूं कि जिसको भी है सच्चाई है कि उसमें पूछताछ होनी चाहिए, हो सकता है हुई हो। लेकिन एक बात मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, अश्वनी शाही जी, क्या वाकई ही इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि नैतिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? यस और नो? नहीं, नैतिकता पर इस्तीफा होना होता तो सिख दंगों में 5000 से ऊपर सिख काटे गए थे, तो राजीव गांधी को भी इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस से जो एग्जांपल सेट किया आप उसी पर फॉलो करेंगे? एक सेकंड अरविंद कटेरिया साहब, एक सेकंड। चरित्रों चेहरा फिर आप चार चरित्रों चेहरा अलग कैसे हुआ? पार्टी विद द डिफरेंस, नैतिकता फिर रही कहां? हम लोग कहां है आज, मैं बता दूं आपको तिलक साहब, की भारतीय जनता पार्टी
चाल चरित्र और चेहरे वाली ही पार्टी है, अगर कहीं भी लगा एक सेकेंड तो इस्तीफा देने में माननीय मंत्री जी पीछे नहीं रहेंगे। तो फिर कैसे मतलब... मगर देश में नैतिकता की बात वो करे जो खुद नैतिक हो। हाँ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सारे राजनीतिक है तो उस पर देश को हंसी आती है। था आपसे कि इस पूरे मसले को लेकर जिस तरह की जांच हुई, कितने फोन कॉल, कितने फोन बरामद हुए अब तक, कुछ बता सकते हैं आप? जी कितने फोन बरामद हुए सर इस पूरे मामले में? जितने की जरूरत थी एक फोन बरामद हुआ। आप इस फोन पर ही क्यों अटक जाते हैं? मैं फोन पर क्यों अटकता हूं? मैं ओपी सागर से पूछ लूंगा। ना 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 ना, फोन कॉल डिटेल्स क्या मायने नहीं रखते? फोन की लोकेशन क्या मायने नहीं रखती? आप बार बार ये कह रहे हैं कि भैया इस सवाल पे क्यों अटक जाते हैं? इस सवाल पे तो कोर्ट भी अटक रहा है। नहीं तो या तो कहिए कि सरकार से अनुशंसा कर दो कि दीपा ये तिलक चावला जी को भी एसआईटी में रखा जाए। सर मैं एसआईटी में क्यों हाजिर होऊंगा? आपके पास काबिल अफसर है, आपके पास काबिल अफसर है, आपके पास काबिल अफसर है। सर हम अपने प्रदेश के सारे अफसरों के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। मैं नहीं सवाल उठा रहा, सुप्रीम कोर्ट जो पूछ रहे हैं मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। कि 2012 में नीति आयोग ने जो है सवाल उठाए थे सुप्रीम कोर्ट पर कि 65,000 मुकदमे लंबे, सॉरी अश्विनी कुमार जी कानून मंत्री थी, उन्होंने सदन में बयान दिया था 2012 में कि 65,000 मामले लंबित हैं। जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, विवेचना में देरी हुई या सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं रहे, हाई कोर्ट में जज नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट के आज वो मामले 4.5 जज जा रहे थे, वो भी तो देश ने पहली बार देखा ना। नहीं ये तो फिर अब आप देखिए, पांडे जी ने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाया है इस पॉल्यूशन के लिए, नहीं तो इसके लिए मेरे पास एक लाइन का है, अगर आज्ञा हो तो मैं कहता हूं कि उसी दिन माननीय जजों से हिंदुस्तान की जनता का विश्वास थोड़ा सा कम हुआ। अच्छा, जो इस हिंदुस्तान के लोगों को न्याय देता है वो अपने लिए अगर मीडिया से न्याय मांगने सड़क पर आता है तो सम्मान कम होता है। अच्छा, इतना मेरा मानना, सम्मान कम होता है जी। अच्छा, तो जनता का विश्वास उड़ गया जजेस से? जनता आप जजेस का न्याय आप करेंगे क्या? नहीं तो मैंने तो नहीं कहा कि जजों का न्याय मैं करूंगा, मैं तो आपकी बात का भी न्याय नहीं कर सकता ना। आप थोड़ा ही करेंगे, मीडिया नहीं करेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं जनता की अदालत में सिर्फ जनता के सवाल उठा रहा हूँ। आप नाराज क्यों हो रहे अश्विनी शाही?